तो वीडियो के अंदर हम बात करने वाले ऐप लॉक एप्लीकेशन के बारे में, जिसके अंदर से आप ऐप्स वगैरह आप लॉक कर सकते हो काफ़ी प्राइवेट फोटोज़ या फिर इसके अंदर आपको प्राइवेट ब्राउज़र वगैरह काफ़ी सारे ऑप्शन आप इस एप्लीकेशन के अंदर आपको मिलते हैं, और किस तरीके से आपको इस ऐप को डाउनलोड करना है या फिर किस तरीके से इसे यूज़ करना है, तो आज की वीडियो के अंदर उसके बारे में बात करने वाले। तो जैसे आप एप्लीकेशन को ओपन करते हैं आपके सामने कुछ इस तरीके से आपको सेटिंग का एक ऑप्शन आता है, तो यहाँ पर आपको कोई भी एक पैटर्न वगैरह यहाँ पर आपको सिलेक्ट करने हैं, तो यहाँ पर आपको दोनों पैटर्न आपको इस तरीके से सिलेक्ट कर लेने हैं यानी सेटअप कर लेने, तो और एग्री टू स्टार्ट के ऊपर क्लिक करने हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे, जैसे यूट्यूब के ऊपर अगर आप कोई पासवर्ड वगैरह लगाना चाहते हो तो आप यहाँ पर लगा सकते हो, या जैसे मैं यहाँ पर कोई यूट्यूब का यहाँ पर सिलेक्ट कर दूँ, और इन एंड्रॉइड फाइव वर्सन परमिट वगैरह आपको यहाँ पर कर देना, परमिट कर देना है दोनों ऑप्शन को, यहाँ पर आपको अलाउ कर देना है एक सेकेंड, यहाँ पर एलो का ऑप्शन आएगा, जैसे ऐप लॉक को यहाँ पर आपको एलो कर देना है, और फिर यहाँ पर प्लीज एडमिट इसको भी आपको एलो कर देना है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर इंस्टाग्राम के ऊपर आपको अनलॉक और यूट्यूब यहाँ पर आपको अनलॉक वगैरह करना है, या फिर इस तरीके से आप इसे लॉग भी कर सकते हो यानी पासवर्ड वगैरह आपको यहाँ पर पिन कर सकते हो। सपोज यहाँ पर मैंने ऑन किया, फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने इसे यूट्यूब ओपन किया, तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने एक पासवर्ड ओपन करके यूट्यूब में इस तरीके से ऑन कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आप यूट्यूब वगैरह प्ले कर सकते हो। बात करें तो यहाँ पर फिर से एप्लीकेशन को ओपन करते हो, यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पर मिलते हैं, तो जैसे कि यहाँ पर सिक्योरिटी ईमेल वगैरह आप चाहो तो टाइप कर सकते हो वगैरह, जो भी आपका ईमेल एड्रेस होगा तो उसको आपको यहाँ पर सेव कर लेना है, वो सिक्योरिटी ईमेल के लिए ज़रूरी होता है। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं, जैसे वैलिड का ऑप्शन होता है, इसके अंदर आप जो अपनी प्राइवेट फोटोज़ ब्राउजर मीडिया फाइल्स वगैरह आपको काफ़ी सारी चीज़ें आप इसके अंदर सेव कर सकते हो, तो यहाँ पर आपको सेव करने का ऑप्शन होता है, यहाँ पर आपको एलो कर देना है, यहाँ पर फोटोज वीडियोस ऑडियो फाइल वगैरह यहाँ पर आपको और एप्लीकेशन भी आप यहाँ पर हाइड कर सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पर बैक लेते हैं, यहाँ पर आपको प्रोफाइल्स का ऑप्शन होता है, यहाँ पर आप प्रोफाइल वगैरह भी यहाँ पर आप हाइड कर सकते हो, तो इसको यहाँ पर आप सेट कर सकते हो प्रोफाइल्स को भी। यहाँ पर आपको ब्राउजर का ऑप्शन आता है, तो ब्राउजर के अंदर भी आप अगर कोई प्राइवेट ब्राउजिंग कर वगैरह करते हो तो यहाँ पर आप इसे यूज़ कर सकते हो प्राइवेट ब्राउजिंग के लिए। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको प्रोसेसिंग वगैरह आप करने का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पर आपको जो उसे कैंसिल भी कर सकते हो। बात करें एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करने, तो डाउनलोड करने की लिंक है उसको मैंने पिन कमेंट्स के अंदर दे रखा है, जैसे आप लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपके ब्राउज़र एप्लीकेशन ओपन होता है। तो यहाँ पर एक सेकंड, यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है, तो इस तरीके से आपके सामने ब्राउज़र का एक पेज ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको दोनों यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और इसकी जो लिंक है उसको मैंने पिन कमेंट्स के अंदर दे रखा है। तो जैसे आप पिन कमेंट के ऊपर क्लिक कर दो तो आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आता है, आप आपको दोनों यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और फिर अनलॉक लिंक के ऊपर क्लिक करके आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो।